कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेत्रा ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हुए इस फिल्म के निर्देशक के विषय में, इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रविरंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है, जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस टू 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी भाई रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और शैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का खत्म करने के लिए सौंपा गया था, एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है।
यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख ग्रोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफताब, आबिर कपूर एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें देव और रुक्मणी मेहत्रा ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मेहत्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मेहत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियाँ थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस टू 2 घंटे लेट थी, इसलिए वे उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गए। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने अबीर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले उसे अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन
थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी याश्विन के फोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिसाउद्दीन गिरोह का खत्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफ्ताफ आबिर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें देव और रुक्मणी मेहत्रा ने अभिनय किया है, जो सन 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायाकान हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियाँ थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया। वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वे उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गए। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने अबीर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में
मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। आबिर उसके इस बीच अपना नाम अल्तार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है, और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को। कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी याश्विन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफ्ताफ आबिर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेहता ने अभिनय किया है, जो सन 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हुए इस फिल्म के निर्देशक के विषय में, इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायाकान हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रविरंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है, जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियाँ थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया। वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वे उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गए। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने अबीर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले उसे अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है।
अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था, इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। आबिर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और शैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिसाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपना हाथ गोली अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफ्ताफ आबिर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेहत्रा ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हुए इस फिल्म के निर्देशक के विषय में, इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है, जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियाँ थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फ़ोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में
और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी भाई रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले उसे अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफताब अबीर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन ट्रेलर फिल्म है जिसमें देव और रुक्मणी मेहता ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायाकान हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर
का क्या शुक्रिया। वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस तो 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी भाई रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्तार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का खत्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में DSP अफ्ताफ, अबीर कपूर ATF अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेहत्रा ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मेहत्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मेहत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है, जो वह VT स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह VT की ओर और नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई।
अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह विटी स्टेशन भी जा रहा था। विटी के रास्ते में याश्विन ने अपने पिता के साथ फ़ोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। विटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस टू 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गए। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है, उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। आबिर उसके इस बीच अपना नाम अल्तार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में DSP अफ्ताफ, आबिर कपूर ATF अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेहत्रा ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हुए इस फिल्म के निर्देशक के विषय में, इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मेहत्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रविरंजन मेहत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है,
ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फ़ोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया। वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने अबीर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्तार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिसाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था, एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में DSP अफ्ताफ, अबीर कपूर ATF अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन ट्रेलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेत्रा ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हुए इस फिल्म के निर्देशक के विषय में, इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायाकान हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है।
चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ी आती, वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई, यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया, वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है, उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी भाई रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्तार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का खत्म करने के लिए सौंपा गया था, एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफताब अबीर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेहता ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है।
इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है, जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस टू 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी भाई रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का खत्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफताब, अबीर कपूर एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में।
कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणि मेहता ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणि मेहता और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रविरंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है, जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया। वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का खत्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है।
यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख ग्रोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफ्ताफ आबिर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें देव और रुक्मणी मेहत्रा ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मेहत्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रविरंजन मेहत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियाँ थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया। वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गए। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। आबिर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और शैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन
थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी याश्विन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिसाउद्दीन गिरोह का खत्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफ्ताफ आबिर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन ट्रेलर फिल्म है जिसमें देव और रुक्मणी मेत्रा ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हुए इस फिल्म के निर्देशक के विषय में, इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायाकान हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियाँ थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वे उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गए। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने अबीर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी भाई रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में
मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्तार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को। कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी याश्विन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफताफ अबीर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेहता ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हुए इस फिल्म के निर्देशक के विषय में, इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायाकान हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है, जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियाँ थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फ़ोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस टू 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने अबीर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले उसे अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है।
अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्तार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफ्ताफ अबीर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें देव और रुक्मणी मेहता ने अभिनय किया है, जो सन 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियाँ थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फ़ोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया। वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने अबीर के बारे में
और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था, इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। आबिर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिसाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफ्ताफ आबिर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें देव और रुक्मणी मेत्रा ने अभिनय किया है, जो सन 13 अप्रैल सन 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हुए इस फिल्म के निर्देशक के विषय में, इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रविरंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर
का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है, उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने अबीर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी भाई रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले उसे अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिसाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था, एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में DSP अफ्ताफ, अबीर कपूर ATF अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेत्रा ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हुए इस फिल्म के निर्देशक के विषय में, इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायाकान हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है, जो वह VT स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियाँ थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह VT की ओर और नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई।
अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में याश्विन ने अपने पिता के साथ फ़ोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीन का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस टू 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है, उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले उसे अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था, एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में DSP अफ्ताफ अबीर कपूर, ATF अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेहता ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हुए इस फिल्म के निर्देशक के विषय में, इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है,
ने जवेरी बाज़ार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियाँ थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फ़ोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया। वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस टू 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी भाई रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। आबिर उसके इस बीच अपना नाम अल्तार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिसाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफ्ताफ आबिर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेहता ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है।
चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था, इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फ़ोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था, एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफ्ताब आबिर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेत्रा ने अभिनय किया है, जो सन 13 अप्रैल सन 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हुए इस फिल्म के निर्देशक के विषय में, इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है।
इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म अभिरंजन मेहत्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी बहन रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्तार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और शैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का खत्म करने के लिए सौंपा गया था, एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बंधकों के बदले वह भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में DSP अफ्ताब, अबीर कपूर ATF अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में।
कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देव और रुक्मणी मेत्रा ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायांकन हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रविरंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है, जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गई। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी भाई रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले उसे अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें सन 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। अबीर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी यास्मीन के फोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिजाउद्दीन गिरोह का खत्म करने के लिए सौंपा गया था, एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है।
यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख ग्रोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफताफ, आबिर कपूर एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें देव और रुक्मणी मेहता ने अभिनय किया है, जो 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायाकान हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रविरंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। फिल्म की कहानी भारत नेपाल सीमा के पास एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक और कई भारत के कई बम विस्फोटकों के साजिशकर्ता यासीन भटकल की आशंका पर आधारित है। फिल्म की कहानी मुंबई में हुए कुछ बम धमाकों से शुरू होती है। बुर्का पहनने पर एक महिला यास्मीन, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष के बीच की है, ने जवेरी बाजार में एक टैक्सी ली है जो वह वीटी स्टेशन जा रही थी। रास्ते में एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियाँ थी। वह एक डरावनी दोपहर थी। टैक्सी अचानक रुक गई। यह तुलनात्मक रूप से एकांत क्षेत्र था। टैक्सी चालक ने कोई कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह वीटी की ओर नहीं जाएगा। यास्मीन लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद एक कार रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। अंदर के व्यक्ति ने अपना परिचय आबिर चटर्जी के रूप में दिया। वह वीटी स्टेशन भी जा रहा था। वीटी के रास्ते में यास्मीन ने अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत की, जिसे हमने एक कोलकाता के घर में एक आधा लकवाग्रस्त बूढ़ा पाया, जिसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि जो मुंबई में बम विस्फोटों के संबंध में टीवी समाचार देखे रहे थे। वीटी स्टेशन पहुंची, गाड़ी उतरी। यास्मीन अबीर का क्या शुक्रिया, वह दौड़कर स्टेशन पहुंची। स्टेशन के अंदर जाकर उसने पाया कि दुरंतो एक्सप्रेस टू 2 घंटे लेट थी, इसलिए वह उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में गए। यास्मीन और अबीर फिर से डिब्बे में मिले और वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। अबीर यास्मीन के साथ फ्लर्ट करता है, हालांकि वह चिढ़ जाती है। उसके साथ खाना साझा करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है। शिष्टाचार के तौर पर यास्मीन ने आबिर के बारे में और पूछने का फैसला किया। अपने सदमे के लिए वह अपने पिता के बंधक बनाए गए एक लाइव वीडियो और उसके चचेरी भाई रुखसाना की एक वीडियो का खुलासा किया। इम्तियाज की लोकेशन नहीं बताने पर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों के संपर्क सतर्क करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं और ट्रेन के हावड़ा पहुंचने से पहले से अपना स्थान बताने के लिए कहा जाता है। अगले दिन उसने खुलासा किया कि वह एक जिहादी है और उसके डिब्बे में अधिकांश यात्री उसके सहयोगी हैं। वह कहते हैं कि इम्तियाज एक जिहादी था, जिसमें 2012 में पुलिस को सूचित करके उनके प्रयासों को विफल कर दिया था। वे देशद्रोही को बुरी तरह से मानना चाहते हैं। इससे यास्मीन का रवैया बदल जाता है, जो बदले में उसकी कहानी का एक और संस्करण करता है, जिसके अनुसार वह घर का मालिक था जिसने आतंकवादियों को धोखा दिया था। इम्तियाज एक स्पेशल टास्क फोर्स में मार गिराया और वह खुद को जिहादी है। आबिर उसके इस बीच अपना नाम अल्टार कबीर में बदल लिया है, जिसे वह अपना मूल नाम देने का दावा करता है। उसे उन मृत जिहादियों की तस्वीरों के रूप में मानने से इनकार कर देता है और जिन कमरों में वह रहते हैं उनका निर्माण उसने अलग था। वह उसके व्यवहार से चिढ़ जाती है और सैयद के संपर्क करती है। इंडियन मिजाउद्दीन
थर्ड इन कमांड को कबीर के बारे में उसने यूनिक कोड नंबर के जरिए जानकारी देता है। इसके समांतर उन कोड की डिकोड करने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ पुलिस अधिकारी याश्विन के फोन कॉल के माध्यम से सैयद का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का प्रबंध करते हैं। कबीर खुद को इंडियन मिसाउद्दीन गिरोह का खत्म करने के लिए सौंपा गया था एक विशेष कार्य अधिकारी होने का खुलासा करता है। यास्मीन का कहना है कि उसे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ बंधकों के बदले में भारतीय पुलिस को उसके प्रमुख गिरोह को सौंपने के लिए मजबूर होगी। कबीर उसके बयान का अर्थ समझते हुए उसे मारता है और अपने हाथ गोली मारता है कि वह यह दिखाने के लिए कि उसे अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए उसे मार डाला। देव द्रोही भूमिका में डीएसपी अफ्ताफ आबिर कपूर, एटीएफ अधिकारी अभी चटर्जी के रूप में। कबीर अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित सन 2018 की भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें देव और रुक्मणी मेहता ने अभिनय किया है, जो सन 13 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक अनिकेत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह फिल्म अनिकेत चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, रुक्मणी मित्रा और प्रियंका सरकार ने। इस फिल्म का छायाकार हरेंद्र सिंह ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्रा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है इंद्रदीप दासगुप्ता ने। यह फिल्म देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2018 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 110 मिनट है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई है। चलिए बात कर